तो कैसे आप लोग तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ड्रीम क्रिकेट 2023 क्रिकेट गेम के बारे में। ये गेम कब लॉन्च होने वाला है हमारे इंडिया में, क्योंकि अभी तक यहाँ पे देख हमारे प्ले स्टोर में आपको पता है क्या प्रॉब्लम क्या बता रहा है और अभी तक आया भी क्यों नहीं है, कब आएगा, सब कुछ वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। सबसे पहले गाइज, अगर अच्छे आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन बेल कॉल प्रेस कर देना। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइज, तो यहाँ पे आपको सबको पता है यार यहाँ पे कि ड्रीम 2023 प्ले स्टोर पर तो हमारे नहीं आया, लेकिन लिंक से ओपन किया तो भाई बहुत बढ़िया, मतलब जो इसके स्क्रीन शॉट था मैंने देखा था, सब लोग आप सब लोगों ने देखे थे प्ले स्टोर के ऊपर कितने बढ़िया दिख रहे थे। बट हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम था कि हमारे लिए कि ये हमारे जो कंट्री है इंडिया में अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब गाइज नहीं, प्री रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है तो आप इंस्टॉल अभी तक नहीं है, ठीक है। अभी कब आएगा इंडिया में, कब इसका प्री रजिस्टर होगा या इंस्टॉल के लिए आएगा, जब भी आएगा गाइस, अभी हमारे इंडिया में नहीं आ रखा है, तो कब आएगा, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं कि मेरे से एक भाई का कमेंट आया था, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम आपको इसकी डेट के बारे में बात करेंगे। परसों एक मतलब गाइस मेरे को मतलब कमेंट आते रह रहा है, एक भाई बहुत बार कमेंट कर रहा है वीडियो के नीचे, क्या हमें ड्रीम क्रिकेट 2023 2GB रैम के अंदर दिखेगा या 3GB रैम के अंदर, जो भी है चलेगा नहीं चलेगा, जैसे कि रियल क्रिकेट 22 हो गया है या सचिन शाह का प्रो हो गए, इन 3GB रैम किन के प्ले स्टोर में नहीं है, ठीक है। मतलब क्या प्ले स्टोर में होगा या नहीं होगा यार गाइस, देखो अब ये तो कंपनी पे डिपेंड करता है ना कि किसी गाइस, देखो जैसे कि सचिन शाह का और रियल क्रिकेट 22 गेम है, ये कि सचिन शाह का प्रो जो बोल रहा हूँ जो नया गेम है उनका, वो चलने तक चल जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने खेल रखा है उनको पता होगा, जिनका 2 या 3GB रैम है, जिन्होंने थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड कर रखा है, लेकिन कंपनी ने प्ले स्टोर पर उस गेम को नहीं अवेलेबल कराया। तो गाइस जिसमें यार इसमें तो कंपनी पे डिपेंड करता है कि अगर कंपनी गेम को प्ले स्टोर के ऊपर लाती है तो चलेगा, अगर नहीं लाती है तो भाई यार कहीं से मिल फिर तो यार आपको थर्ड पार्टी से आपको समझ गए होंगे ना क्या बोल रहा हूँ मैं। तो गाइस जब यहाँ पे इसके हम डेट के बारे में बात करें, जो सचे मतलब जो गेम है ड्रीम क्रिकेट 2023, आप सबको पता है कि जो ड्रीम इलेवन की जो कंपनी है उसके द्वारा ये गेम को बनाया जा रहा है, और आपको पता है कि उनके पास जो है लगभग सारे क्रिकेटर का जो मतलब बीसीसीआई के साथ उनका तो मतलब यार बीसीसीआई बोल रहा हूँ सॉरी बहुत सारे क्रिकेटर के साथ उनका कॉलेज है, उनका लाइसेंस है, और गाइस आपको पता ही होगा। तो जहाँ तक है गाइस यार इस गेम के अंदर हमको अगर थोड़ा भी देखें तो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक फेस देखने को मिल सकते हैं, और इंडिया में इसको आई थिंक गाइस आईपीएल के टाइम पे लॉन्च हो जाना चाहिए, आईपीएल के टाइम पे इसको इंडिया पे आ जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है आईपीएल के टाइम पे या कोई भी लीग हो या कोई भी वर्ल्ड कप इस टाइम पे अगर किस टाइम पे कोई गेम लॉन्च होता है तो भाई इस टाइम पे बहुत ही क्रिकेट गेम्स की मांग है बहुत ज़्यादा होती है। तो शायद से गाइस इस टाइम पे कंपनी से लॉन्च कर दे या इसके बारे में कुछ पता चले। अब यार आप सभी खुद जानते हो कि यार अभी तो हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं बता रहा है, क्या होता है इसका बाद में बता चलेगा। अगर आप पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो या कई अदर कंट्री से हो तो भाई प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके में प्ले स्टोर में है डाउनलोड के लिए या नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ बता देना, अगर आपको अच्छा लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना। टेक केयर एंड बाय।